सरोकार। सुप्रीम कोर्ट का बोले कि आजादी पर ज्यादा पाबंदी से इनकार, कहा किसी मंत्री के बयान पर सरकार नहीं खुद मंत्री ही जिम्मेदार। जैन तीर्थ को बचाने के लिए मुनि ने प्राण त्यागे, समेद शिखर को टूरिस्ट प्लेस बनाने के खिलाफ थे, 10 दिन से जारी था अमरण अनशन। कोहरे की वजह से ट्रेन लेट, रेलवे देगा फ्री में खाना, टिकट कैंसिल कराने पर पूरा मिलेगा रिफंड। मेहदी बहमन पर जासूसी का लगाया आरोप, इजराइल के टीवी चैनल पर सरकार की आलोचना की थी। वैक्सीन भी नहीं रोक पाएगी XBB.1.5 वेरिएंट, 104 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है संक्रमण। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। सीएम योगी ने आज राजधानी लखनऊ में एक अहम बैठक बुलाई है। वहीं सीएम योगी ने शाम 6 बजे सड़क सुरक्षा के संबंध में बैठक बुलाई है। इस बैठक में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक समेत तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर अहम बैठक होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में कुछ ही देर में प्रवेश करेगी, जो कि गाजियाबाद के लोनी के रास्ते भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। यह यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली से यूपी में प्रवेश कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रवीण हमसे जुड़ेंगे। प्रवीण, कुछ ही देर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। जी मयूरी, देखिए आपको बता दूं, लगातार जिस तरह से जो राहुल गांधी है लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो है लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बार जो है उत्तर प्रदेश का रुख किया गया है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी से शुरुआत की जाएगी, जहां पर भव्य तरीके से जो कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग स्टेज सजाया है, खासतौर पे राहुल गांधी का स्वागत करेंगे वहां पर। हो सकता है वहां पर थोड़ी देर में राहुल गांधी भाषण भी देंगे, वहां पर थोड़ा संबोधन भी करेंगे पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को, या वहां पर जो पब्लिक रहेगी उससे बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं ये जो भारत जोड़ो यात्रा है राहुल गांधी की बहुत ही पूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अब निकाय चुनाव की जो जिस तरह से चर्चा हो रही गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो कहीं ना कहीं अब जो ये यात्रा है काफी अहम मानी जा रही है गाजियाबाद से, और पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में होते हुए ये यात्रा निकलेगी, तो कहीं ना कहीं एक दिन पहले दो दिन पहले ही अभी व्यवस्थाएं कर ली है। खासतौर पे जो कमिश्नर है, कमिश्नर खुद मौके का ब्यौरा लेने गए, वहां पर पूरा जायजा लिया और खासतौर पे जो जो व्यवस्थाएं, क्योंकि रूट को डाइवर्जन की ट्रैफिक का महत्वपूर्ण देखा गया था कि ट्रैफिक उस जगह से काफी निकलता है, उसको भी देखे मद्देनजर रखते हुए काफी व्यवस्थाएं करी गई है। कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा है, अब उसमें राहुल गांधी अपने साथ धीरे धीरे अब दिल्ली से निकलकर अब धीरे धीरे यहाँ लोनी की तरफ रुख करने वाले हैं। थोड़ी देर में ही उनकी यात्रा यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद क्या कुछ आगे रहने वाला है ये सब देखने वाली बातें रहेंगी। प्रवीण, इस यात्रा में कितनी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं, कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद है, कुछ जो यात्रा के दौरान इस समय पर चल रहे हैं, कह सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में तादाद में कार्यकर्ता सहित और जो लोकल जनता है वो भी साथ में चल रही है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी दिल्ली में एक जिस तरह से लाल किले पहुंचे थे और वहां पर एक सुरक्षा को लेकर चूक हुई थी, तो कहीं ना कहीं इस बार ऐसी कोई भी चूक ना हो पाए गाजियाबाद में और उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें महत्वपूर्ण देखी जाती है कि सुरक्षा को लेकर कोई चूक ना हो, क्योंकि कार्यकर्ता तो रहते रहते साथ में जनता भी उसमें शामिल हो जाती है और सुरक्षा का जो घेरा है खासतौर पे उसको काफी पुख्ता किया गया है। खासतौर पे गाजियाबाद जैसे ही एंटर करेंगे राहुल गांधी,
तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है चारों तरफ से चाकचौबंद कर दी गई है और सीपी खुद जो गाजियाबाद कमिश्नर है खुद मौके पर मौजूद है, वहां पर कई आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ देर में राहुल गांधी पहुंचेंगे, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रवीण, राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। अब ये यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है, क्या रंग दिखाएगी ये यात्रा उत्तर प्रदेश में? देखिए मयूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कुछ चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि चुनाव का दुगुल बचने वाला है, कुछ समय पर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद चुनाव की तारीख भी तय हो जाएगी। जो भी जिस तरह से आरक्षण को लेकर भी जो बातें छिड़ी हुई है उसको लेकर जो अभी कवायद चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में से लेकर हाईकोर्ट तक इस तरह की जो चीजें चल रही है वो उसको दरकिनार करने के बाद जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा कहीं ना कहीं जो चुनाव पर खासा असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय तक इस दौरान निकलना कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है जो जनता है खासतौर से अब अपना रुख कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के तरफ कर ले, क्योंकि लगातार राहुल गांधी तीखी टिप्पणियां भी कर रहे हैं पार्टियों की तरफ से, कहीं जब समय मिलता है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा जो है अब उसमें कितनी सैकड़ों की संख्या में लोग आने वाले हैं ये देखने वाली बात रहेगी, महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी। जी धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। खबर औरैया से है जहां एक विचित्र पहल, सेवा समिति ने अटल आश्रय गृह पर निशुल्क वस्त्र बैंक का शुभारंभ किया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला अधिकारी ने किया। साथ ही मुख्य अतिथि ने गरीबों को वस्त्र भेंट किए। वहीं इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों, ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार समिति प्रबंधक सहित भारी संख्या में जरूरतमंद बच्चे और कई लोग उपस्थित रहे। विचित्र पहल और ये ऑक्सफोर्ड और भी एनजीओ संस्थाओं ने मिलकर के एक प्रयास किया है, एक कपड़ा बैंक स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन्होंने शुरुआत कराई है मुझसे। इसका उद्देश्य यही है कि आवश्यकता न हो तो दे जाइए और आवश्यकता हो तो ले जाइए। अगर आपके पास इफरात है, अपने उपयोग से ज़्यादा है, तो कृपया यहाँ पर दे जाएँ। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपना नाम बताएँ, बताना चाहें न बताना चाहें कोई बात नहीं। इसी तरह ले जाने वाले का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा कि अमुक व्यक्ति ये ले गए वो ले गए, तो सब आपके पास इफरात है तो कृपया इसमें सहयोग करें और आपके पास जरूर है तो आएं, अपनी साइज़ का देखें और ले जाएं। अभी ये कोशिश कपड़ा से इन्होंने शुरू की है और जैसा कि इनका मानना और इनकी सोच है कि अच्छा बैंक का आयोजन किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अटल आश्रय गृह में ज़रूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क वस्त्र बैंक का शुभारम्भ आज माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया और आगे ये हमारा प्रयास है कि जो लोग वास्तविक रूप से ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास पहनने के लिए सर्दी के कपड़े नहीं हैं, तो उनके लिए व्यवस्था ये लागू की गई है। ये कार्यक्रम समिति द्वारा निरंतर जारी रहेगा और DM साहब ने ये बताया कि आगे बहुत ही शीघ्र रोटी बैंक की स्थापना भी यहाँ की जाएगी। खबर प्रयागराज से है जहां समंदर पार साइबेरियन पक्षियों के समूह कुंभ नगरी के संगम तट पर पहुंच चुके हैं। यहां संगम तट पर हजारों विदेशी मेहमानों के आने से यहां संगम की प्राकृतिक सौंदर्य में भी निखार आ गया है। वहीं सर्दियों में संगम तट पर पानी की सतह सफेद चादर से ढकी नजर आ रही है। साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने से न केवल यहाँ की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, बल्कि पानी की सतह पर अठखिलियां करते ये विदेशी मेहमान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करते हैं। इससे संगम में नाव चलाने वाले नाविकों की आमदनी भी बढ़ जाती है। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी 6 जनवरी से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत होनी है और जिस तरीके से माघ मेले की तैयारी है तो मेला प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां कराने में जुटा हुआ है। इस समय मैं प्रयागराज के संगम तट पर मौजूद हूं और संगम तट पर विदेशी मेहमान के नाम से मशहूर ये जो साइबेरियन पक्षी हैं ये लगा हर साल आते हैं। किस तरीके से ये विदेशी मेहमान आते हैं, किस तरीके से संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हम इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाविक हैं जो हमसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर जो ये साइबेरियन पक्षी है वो किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
यहाँ पर जो आते हैं साइबेरियन पक्षी, ये किस तरीके से आते हैं और साइबेरियन पक्षी के आने से आप लोगों के ये जो आप लोग बोट चलाते हैं, नाव चलाते हैं, तो इस पर किस तरीके का असर पड़ता है या क्या फ़ायदा होता है? साइबेरियन के आने की वजह से जो हम लोग कमाई धमाई जो बढ़ जाती है, और आप समझ जो संगम स्नान करने नहीं जाते उनका भी मन अपनी तो मतलब लुभा के जो है अपनी आकर्षित करती है। इस वजह से हम लोग कमाई धमाई जो बहुत अच्छा जो है असर पड़ता है। और जो है ये पूरी संगम नगरी के पास देख ले पूरे एक प्रकार जिसे सजावट का जो है माहौल जो है बनाए रहती है साइबेरियन पक्षी। बिल्कुल, एक और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये तस्वीरें हैं, देखिए ये प्रयागराज के संगम तट की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो सैलानी आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो किस तरीके से साइबेरियन पक्षियों के साथ अटखेलियाँ करते हैं, साइबेरियन पक्षी इनके साथ किस तरीके से संगम तट पर इनके साथ घूमते हैं। और ये वो तस्वीरें हैं, इन्हीं तस्वीरों की वजह से प्रयागराज का संगम तट जो है वो लगातार श्रद्धालुओं से भरा रहता है। तो कहा जा सकता है कि ये जो विदेशी मेहमान है ये प्रयागराज के संगम तट की शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 25 के पास नहर किनारे एक युवक का शव मिला है, जिसके गले पर तेजधार हथियार से वार के निशान मिले हैं। साथ ही उस युवक की पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या की गई है। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक और क्राइम ब्रांच की टीमें छानबीन में जुट गई हैं। फिलहाल अभी तक उस युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें हत्या की वजह और हथियारों की तलाश में जुट गई है। उसके बाद चौकी इंचार्ज ने अधिकारियों को बताया, सूचना मिलने पर हम आए हैं। मौके से प्रथम दृष्टया से मर्डर लग रहा है, अभी क्राइम यूनिट बुलाई है। अभी जब तक इसकी शिनाख्त नहीं होती तब तक इंतजार करना पड़ेगा, या कोई हमें शिकायत मिलती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। धारदार हथियार से सूचना आ रही है, हत्या का सब लग रहा है, क्या कुछ पहचान हो पाई आसपास के इलाके में पुलिस ने? नहीं, अभी तक वो पहचान नहीं हो पाई है, और कई घाव इसके ऊपर, एक घाव गर्दन पे भी है, आँख के पास भी है। तो कोई लैटरिंग करने आ रहा था, वो कह रहा भाई देखना यार कोई मरा पड़ा है, और मुझे डर लग रही है, जाने की हिम्मत ना कर रही है। तो मैंने देखा तो उसकी तो उल्टा पड़ा है, सिर दिखने रहा, शक्ल नहीं दिख रही उसकी। फिर मैंने देखा, फिर मैंने दुकान खोलने के बाद आपको कॉल करा, मुखर जी आपको बुला देता हूँ कम से कम। ये 55 और 25 की पुलिया है जी। हाँ जी, तो क्या हुआ यहाँ पर? भारी भीड़ है, काफ़ी यहाँ भीड़ है, कोई मार्ग फेंक गया है। कौन है, क्या पता चल रहा है? पता नहीं कहाँ का है, चेहरा पहचान नहीं आ रहा है। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा? नहीं जी। तो कैसे कपड़े पहन रखे, कुछ देखा हो तो? अंदर लाल पहना है, ऊपर सफ़ेद है, पैंट सफ़ेद है। तो लड़का या महिला है कोई यहाँ? लड़का है। किसी ने लग रहा है हत्या करके फेंक दिया? हाँ जी। खबर अमरोहा से है, जहां जैन समाज के लोगों ने झारखंड में स्थित तीर्थ स्थल पारसनाथ पर्वत को पर्यटन स्थल ना बनाए जाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वहां पर जैन समाज की धार्मिक भावना को आहत करने वाले कार्य भी होंगे, इसलिए हम उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि झारखंड सरकार ने हमारे महान सम्मेद शिखर जी, जो हमारा सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर रही है, तो हम आज अमरोहा की पूरी जैन समाज मौन जुलूस निकालकर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे कि महामहिम राष्ट्रपति जी के पास और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास यह संदेश पहुँचे कि हमारे तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल न बनाया जाए। क्योंकि जैन समाज तो जियो और जीनो जीने दो का संदेश देता, हमारे धर्म में तो एक चींटी को। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।